हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आप अच्छे से देख रहे होंगे। जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक ही बात कहूंगा, एक ही विनती है कि ये वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, इसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, इसकी पूरी सीरीज आपको देखनी है और एक जगह प्रॉपर नोट करते हुए चलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपके एग्जाम एयरफोर्स एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, कोई बेकार के क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका टाइम पास करा रहा हूँ, नहीं, आप जब एग्जाम दोगे तो वहां पे देख के समझ जाओगे कि हाँ बिल्कुल एग्जाम के रिगार्डिंग सर क्वेश्चन कराते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये कोई एनडीए वाला एग्जाम नहीं देने जा रहा हूँ, पहले ये टारगेट मेरा एयरफोर्स के लिए है। और अब एनडीए वाले बच्चों के लिए बात करूँ तो जैसे ही देखो एयरफोर्स एग्जाम हो जाएगा, हम लोग का एनडीए का पेपर सितंबर के आसपास होगा, ठीक है, 4 सितंबर के आसपास। तो जैसे एयरफोर्स जुलाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 अगस्त से एनडीए की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मस्ट है क्योंकि कॉन्सेप्ट देखो, एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो, मैथ का सिलेबस तो सेम है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाउन हो जाता है। तो एनडीए के लिए हम क्या करेंगे, एक सीरीज लॉन्च करेंगे 1 अगस्त से, ठीक है। तो उसमें क्या टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक। वहां पे भी आप देखोगे मेरे ट्रिक्स, वहां पे बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आप लगा रहे हो, ठीक है। तो अभी इस सीरीज को कंटिन्यू रखिए, इसको पूरा देखिए, प्रॉपर नोट करते हुए चलिए। पहले टारगेट हमारा एयरफोर्स है, देन उसके बाद एनडीए, ठीक। जो लोग नए पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। आपको दिया गया है इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 x³ + x cos x + 10⁵ x + 1 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन है। तो देखो एक चीज मैंने बताई थी पिछले वीडियो में भी बताई थी और आपको इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक में भी बताया कि अगर -a से a लिमिट है, -a से a लिमिट है, तब तो आपको कुछ सॉल्व करने से पहले यही देखना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन है ये, और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो डायरेक्ट आप रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो इसको चेक करो, ये ऑड फंक्शन तो नहीं है क्योंकि लिमिट क्या है, माइनस ए से ए दी गई है, -π/2 से मतलब π/2 मतलब क्या हो गया, माइनस ए से, ठीक है। तो देखो x³ क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ये देखो x कैसा होता है, ऑड फंक्शन, और cos x कैसा फंक्शन होता है, इवन। और यहाँ देखो मल्टीप्लाई, तो ऑड इंटू इवन का मल्टीप्लाई, 10⁵ x ऑड फंक्शन। अब ये 1 बचा तो 1 को देख लेंगे पहले, यहाँ देख लो ये ऑड हो गया, इसका 0 हो जाएगा, ऑड इंटू इवन ऑड होता है तो इसका भी 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो गया, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं, -π/2 से π/2 dx, ठीक है। अब 1 का क्या होता है, सबको पता है कि x -π/2 से π/2 लिमिट अप्लाई कर दो, तो अपर लिमिट π/2, यहाँ पे माइनस, देखो ये लोअर लिमिट क्या है, -π/2, तो यहाँ +π/2 हो जाएगा, आधा और आधा मिला के 1, यानी पाई, क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका 1 + tan 1° इंटू 1 + tan 2° इंटू 1 + tan 3° इंटू 1 + tan 44° इंटू 1 + tan 43° इंटू 1 + tan 42°, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में दिए, कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखो आप पहले वाला वीडियो अगर देखो तो मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक बताई है। अगर आपको देखो यहाँ पे समझ लो 1 + tan a into 1 + tan b इस टाइप से देखे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस a और b को जोड़ो तो अगर 45° हो जाए और 225° हो जाए, क्या क्या हो जाए, 45° या 225°, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने बताया था इसका रिजल्ट आपको याद करना है, इसका आंसर क्या होता है, 2, इसका आंसर क्या होता है, 2। जिनको ये रिजल्ट अगर याद नहीं करोगे तो बेसिक लगाओगे, और कोई इसका तरीका बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो चीजें को समझा करो, थोड़ा बहुत चीजों को पता किया करो कि ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे है, क्या चीज हमें याद करनी है, क्या चीज हमको दिमाग में फिट कर लेनी कि हाँ इसका फिक्स रिजल्ट होता है, ठीक है। हर चीज बेसिक से नहीं किया करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 + tan a into 1 + tan b, एंगल का सम कितना हो, 45 या 225, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, 2। सारे यहाँ पे जो ये है मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो देखो इस वाले को देखो, 1 + tan 1° तो 1° है यहाँ, 45 बनाने के लिए देखो 44° वाले को हमें ढूंढना है, तो ये मिल गया। तो यानी ये वाला और ये वाला इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, यहाँ 2° और ये देखो 43° 45 बनाएगा तो इसका मान भी 2 हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। अब बचाइए देखो 1 + tan 3° और 1 + tan 42°, तो ये 3 और 42 मिला के 45 बनेगा, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 2, 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8,
कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका 2 की पावर 64 में अंकों की संख्या बताइए, यदि log 2 का मान क्या दिया, 0.3 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अब बनने लगा आपके एग्जाम में, 2 की पावर 64 में अंकों की संख्या बतानी, एनडीए में तो कई बार पूछा गया। ठीक है, तो देखो जो भी जिसके भी अंकों की संख्या पूछ रहा हो वो यहाँ लिख लो 2 की पावर 64। ठीक, अब देखो लॉग दिया यानी इसमें लॉग का कुछ ना कुछ रोल होगा, तो आप क्या कर लो इसका लॉग ले लो, इसके आगे क्या लगा दो लॉग। ठीक है, या आपको देखो शॉर्टकट बता रहा, बाकी सॉल्व कर लोगे तो भी उससे भी हो जाएगा, लेकिन आप इससे जल्दी कर पा रहे हो। log 2 की पावर 64, अब देखो लॉग में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n, क्या हो जाता है, n log m। ठीक है, n log m की जो पावर होती है आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी 64 और ये log 2, तो log 2 का मान क्या दिया है, 0.3010। तो 64 × 0.3010 जब कराओगे आप 30 10, ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इसका आंसर लगभग लगभग 19.264 समथिंग आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, तो आपको ये निकाल लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, पॉइंट के पहले जो भी नंबर दिया वो पूरा यहाँ पे लिखो और इसमें एक बढ़ा दो, यही आपके क्या हो जाएगी, यही आपके क्या हो जाएगा, अंकों की संख्या हो जाएगी। हमेशा याद रखना पॉइंट के आगे जो वैल्यू दी गई वो पूरी पूरी लिख लो, एक आपको हमेशा जोड़ना है, एक आपको क्या करना है, हमेशा जोड़ना, याद रखना। ठीक है, तो 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20, यानी इसमें अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 20, 20 अंक होंगे, कितना अंक होंगे, 20, तो बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आपको लॉग लेना है और लॉग इसमें जिसकी भी यूज हो रही होगी, जैसे यहाँ 3 देता तो log 3 का मान दे देता आपको। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए, आपको दिया है 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + कह रहा है कि एन पदों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, के एन पदों का योगफल ज्ञात करें, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस पर डिपेंड है, एन पे। हमने कहा था जब भी क्वेश्चन एन पे डिपेंड हो, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको जो बातें मैं कहता हूँ कि हमने ये कहा था हमने वो कहा था, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा हाँ कि कहा था कि नहीं कहा था। ठीक है, अब पहली बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको ये बात नहीं समझ में आएगी। तो एन पे डिपेंड क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं, हमने कहा एन बराबर कुछ मान लेते हैं, एन बराबर 1 मानो 2 मानो 3 मानो, आपका जो मन करे, आप 99 मान के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो देखो एन बराबर हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, 2 मान लो, आप एक तो ज्यादातर नहीं मानो, एक बिल्कुल मानना ही नहीं। ठीक है, 2 3 4 से स्टार्ट करो, एक मानोगे तो मानने से आंसर तो आता है, ऐसा नहीं कि कहो एक क्यों नहीं मानेंगे, तो आंसर तो आता है, लेकिन क्या हो जाता है कभी कभी 2 3 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सेम हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है फिर आंसर टिक करने में गलती हो जाती है। तो एन बराबर 2 3 4, आप 2 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो हमने मान लिया एन बराबर 2, तो ये एन बराबर 1 है, एन बराबर 2 यानी 2 टर्म का सम निकालना है, तो 1 और ये 2 + 1 3 3 और 1 4, एन बराबर 2 पे कितना आंसर आ रहा है, 4, एन बराबर 2 पे कितना आ रहा है, 4। अब ये देखना है एन बराबर 2 पे कौन सा ऑप्शन 4 दे रहा है, तो देखो एन बराबर 2 जल्दी से रख लेते हैं, ये 2 ये 3 2 3 6, और यहाँ पे 2 रखोगे तो देखो 4 और 5 6 5 30/6, 30/6 5 ये नहीं होगा आपका, यहाँ पे 2 × 3 6 6/2 कितना हो जाएगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर रखो तो ये हो जाएगा देखो 2 और ये 3 3 × 6, और ये देखो 6 × 5 30 30/12 ये भी नहीं होगा, यहाँ रखो 2 × 3 2 × 3 × 2 ये 4 और बटे में 6, ये 6 से 6 कट गया, क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, आपको लग रहा होगा इतना टाइम लगे लेकिन आप बेसिक करके देखना, इसका डबल ना लगे तो कहना। ठीक है, तो आपको ऐसी अप्रोच रखनी है कि एन पे अगर क्वेश्चन डिपेंड है तो एन को कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक, हमने 2 माना है, आप एन बराबर कुछ भी 79 मान के कर लेना। ठीक है, अगर आसान लगता हो तो ठीक कर लेना, आप लोग ज्यादा थोड़ा दिमाग लगा लेते हो ना कि एन बराबर 2 ही, सर जी ने मान लिया 2 पे आंसर आ रहा होगा, इसलिए किसी पे भी मान के करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है कि हाँ सर जी ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है यदि y बराबर 1 + x + x² / 2 / x³ / 3 / तो क्या कह रहा है, d बाई dx बताना है। ठीक है, तो आप देखो अगर सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे होगे, हर चीज पे बेस होगी, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले वगैरह अगर अच्छे से तैयार होंगे तो आपको देख के ही क्वेश्चन के आंसर आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो आपको ये सीरीज पता होगी कि सीरीज किसकी है, 1 + x / 1 × यहाँ पावर जो होती है 2/2 × 3/3 x की पावर में, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाता है, तो सीरीज किसकी होती है, e की पावर x की। तो e की पावर x का चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन, आप अच्छे जानते हो क्या आता है, e की पावर x, क्या हो जाएगा, e की पावर x, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो देखो ये चीजें फॉर्मूले वगैरह कॉन्सेप्ट ये तो आपका काम है, अगर आप देखो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल ऐसे जुट जाओ कि उसका कोई कोई भी चीज आपसे बाहर ना हो, ठीक। क्योंकि आपका देखो काम फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करना आपका काम है, ठीक है। इनको बार बार रिवाइज करना आपका काम है, और जहां भी आप पहले से पढ़ रखे हो कुछ तो नोट बनाए होंगे आपने, तो वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना आपका काम है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो किसी भी चीज की लड़ाई कर रहे हो, अगर किसी भी किसी से युद्ध करना है तुम्हें, तो उसके लिए आपको हर चीज आनी चाहिए, साम दम दंड वेश, सब चीजें जब आएंगी तो ही उससे लड़ पाओगे, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कहीं ना कहीं डिपीट खा जाओगे, ठीक है। तो अगर एग्जाम आपको निकालना है तो सारी चीजें जितनी ट्रिक्स होती हैं, जितनी क्या शॉर्टकट देख सकते हो आप, शॉर्टकट कह लो उसको, फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सब चीजें मिलकर ही आप क्या करोगे, एग्जाम निकाल पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कोई ज्यादा लेवल के नहीं आते हैं, अगर आपकी चीजें जितना आपने पढ़ा, सारे चैप्टर आपने नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर 10 चैप्टर हैं तो अगर 8 चैप्टर भी पढ़ रखे हैं तो उन 2 चैप्टर पे मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ, ये 8 चैप्टर ऐसे करके जाओ कि इनसे जो सवाल आएगा वो हम छोड़ के नहीं आने वाले, ठीक है। तो आपका एग्जाम देखना बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम आप ना निकाल पाओ, सारे एग्जाम ऐसे निकल गए हैं, आपके पास लेटर रखे होंगे, आपको ये देखना है कि हम कहाँ ज्वाइन करें, ठीक है। बस उस लेवल तक बनी है तो पढ़ाई तो कीजिए, एग्जाम आ जाता है उस महीने आप लोग ऐसे जुट जाते हैं जैसे मान लो कि आप एग्जाम निकाल के रहोगे, ठीक। ये पढ़ाई जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो, जो आपने प्रिपरेशन सोच ली है कि हमें ये एग्जाम निकालना है, तो उसी दिन से उसके लिए मेहनत करो, मेहनत 6 महीने साल भर की होती है, उसी में आप सब कुछ कर सकते हो, इससे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं, इससे ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो समझ लो केवल टाइम पास कर रहा हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉर्मूले ये सब चीज कॉन्सेप्ट सीरीज वगैरह तो पता होनी चाहिए, तो आप देखते ही आंसर टिक कर देते हैं, ठीक। और वैसे भी कोई कठिन सवाल नहीं है, आप डायरेक्ट वैसे भी कर लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही हो तो आप पहले तो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए और बाकी सीरीज रेगुलर देखते रहिए, ठीक। कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया क्वेश्चन है, यदि 3x-8 3 3 3 3x-8 3 3 3 3x-8 = 0 के मूल होंगे, ठीक है। तो देखो इसके मूल निकालने आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और मुख्य विकर्ण में क्या है, एक्स वाला अवयव दिया, तो एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहला मूल आपका कैसे मिलता है ध्यान रखना, किसी भी एक रो को जोड़ दो या किसी एक कॉलम को जोड़ दो, तो 3x-8 + 3 + 3 + 3 + 3 इसको 0 के बराबर कर दो तो पहला मूल आ जाएगा, पहला मूल आ जाएगा तो निकाल लो 6 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस तो उधर जाके +2, 3x = 2 तो x = 2/3, x = 2/3। दूसरा मूल कैसे आता है, ये जो x वाला एलिमेंट है इसको बगल वाले एलिमेंट के बराबर कर देते हैं, 3x - 8 बराबर में 3, तो 3x = हो जाएगा 11, x = 11/3, आंसर हो जाएंगे आपके 2/3, 2/3, 11/3, ठीक है, 2/3, 11/3, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया गया है, कह रहा है वृत्त x² + y² + 6x + 3y + 2 = 0 द्वारा बाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई, आपसे कह रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ बाई एक्सिस पूछ रहा है, इस सर्कल के द्वारा इंटरसेप्ट ऑफ बाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो हमने बताया था कि जब भी आपको वृत्त की इक्वेशन दी जाए और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछे या एक्स एक्सिस का, ठीक, तो वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है उसकी लंबाई निकालने का लेंथ ऑफ वाई एक्सिस क्या होता था, फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने बताया था, 2√f² - c, 2√f² - c। अगर आपसे लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस पूछ ले, ठीक है, एक्स एक्सिस पूछ ले, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपको याद रखना है 2√g² - c, ठीक है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे 2√f² - c, तो रखो वैल्यू 2, एफ का मान, एफ का मान क्या था, वाई के गुणांक का आधा करो तो 3 का आधा 3/2 स्क्वायर कर दो, 3/2 का स्क्वायर करोगे, माइनस सी का मान देखो +2 है, क्या है +2, तो यहाँ पर रख दो, तो देखो 2 ये हो जाएगा 9/4 - 2, एलसीएम लोगे 4 तो 4 × 2 = 8, 9 से 8 कम करोगे तो 1 बचेगा, 1/4 यानी रूट से बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया तो 1 आ रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस की लेंथ क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। ऑप्शन में वन नहीं है तो आपका ऑप्शन है नन ऑफ दिस, आंसर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको लिखा होगा पहले से, तो आप ये क्वेश्चन तुरंत देख के कर लिए होगे, नहीं लिखा है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि इकाई के घनमूलों का गुणनफल होगा, आपसे क्या कर, इकाई के घनमूलों का आपको मल्टीपल निकालना है, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने। तो देखो इकाई के घनमूल क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करा दो,
देखो ये वन इंटू ओमेगा 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 इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब का आपका डायरेक्ट मान क्या होता है वन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई इतने आसान क्वेश्चन के ऊपर आ रहा है तो देखो आप प्रीवियस ईयर पिछली बार जो जुलाई में एग्जाम हुई थी आप उसके पेपर को जब देखो पेपर सॉल्व करो ठीक है, तो उसमें देखना आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपके वहाँ पे प्रिंट क्वेश्चन, ठीक है, इस पे बेसिस क्वेश्चन होंगे, ये भी क्वेश्चन आए हैं आपके, आए हुए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बता रहा कि अपने मन से छोटे छोटे क्वेश्चन लिख के आपका टाइम पास करा रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता है, आप इतना मत वो करो, 25 में आपको 25 करने होते हैं, कितने करने होते हैं 25 में 25, ठीक है। सिलेक्शन कितने पे होता है, 22 से 23 पे हो जाता है, ठीक, इससे कम कर पा रहा हो तो दिक्कत होती है। आपका एनडी का एग्जाम नहीं कि 120 आ रहा है आपका, 80 हो गया 85 हो गया तो काम चल जाएगा, इतने क्वेश्चन छूट गए, लेकिन इसमें तो आपका अगर एक दो तीन क्वेश्चन भी छूट रहा है तो दिक्कत हो रही है, आपकी मेरिट ज़्यादा नीचे जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपके इसमें 25 में 25 वाले होते हैं, ठीक, तो आपको ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम भी आपको देख रहे हो कितना टाइम मिलता है करने के लिए, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो बता रहे हैं वो सारे करते हुए चलो, सब कुछ आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिए, 1 + 2x - 2x² की होल पावर 5041 के प्रसार में सभी गुणांकों का योग निकालना, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालना। ठीक है, तो देखो जो लोग भी अगर बाइनोमियल को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक, या सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, मिस्टेक पे मत जाना इंग्लिश में, थोड़ा सा इंग्लिश में मीनिंग गलत हो ही जाती है कभी कभी, ठीक, आपको इससे कोई मतलब नहीं। आप देखो जब ये दोनों टॉपिक आपको अगर कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो मैंने आपके भी इसके वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, एक एक चीज वहां पे डिटेल से समझाइए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उसको जाके देखिए, तो आपका बाइनोमियल और सीक्वेंस सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे इसको, तो मैंने बताया कि जब भी आपको सभी गुणांकों का योग निकालना होगा तो जितने वेरिएबल दिए होंगे, क्योंकि वेरिएबल पर डिपेंड नहीं है, हमको केवल किससे मतलब है, गुणांक से मतलब है, कोफिशियंट से मतलब है, तो एक्स से कोई मतलब नहीं, तो इनको वन वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वन वन, ठीक, तो एक्स को वन मानते हैं, यहाँ से एक्स खत्म हो जाएगा, ये एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 + 2 - 2 की पावर 5041, कोई भी पावर दे सकता है, 1 + 2 3 - 2 कट गया, 1 की पावर 5041, तो 1 की चाहे जितनी पावर करो क्या आता है, 1, क्या आता है, 1, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक, अब एक चीज समझना, 1 की अगर यहाँ पे 1 की पावर देखो, -1 की पावर अगर इवन नंबर है, क्या है, इवन, तो आपका हमेशा क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा, और -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ऐसा बन जाता है कि यहाँ माइनस वन आ जाए, तो -1 की पावर अगर ये ऑड है तो यहाँ माइनस आंसर आता है, ठीक है, तो ये नोट भी आपको याद रखना है कि -1 की पावर अगर इवन है तो प्लस, -1 की पावर ऑड है तो माइनस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आपको दिया गया इंटीग्रेशन बताना आपको, dx/2x²-2x+1 के बराबर होगा, ठीक है, तो देखो बेसिक तो आपको आता होगा लेकिन मैं इसको शॉर्टकट से देखने वाले हम लोग, देखो आपको अगर इस टाइप से दिया जाए dx/ax² + bx और प्लस सी, ध्यान समझना, ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले डी निकालो, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac, अगर ये निगेटिव आ जाए आपका, अगर क्या आ जाए, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव आ जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है 2/√d, ये डी का जो भी मान आएगा यहाँ पे, जो मान रखेंगे वो प्लस का रखेंगे हमेशा, ठीक, टेन इनवर्स f·x, जो यहाँ पे फंक्शन दिया है उसका अवकलन कर दो, f·x/√d/√d और प्लस का c/√d प्लस का c, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डी निकालो, डी बराबर b² क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर और -4 × a का मान 2 × c का मान 1, तो ये हो जाएगा 4 - का 8 यानी -4, आपका d का मान कितना आ गया, -4, ठीक है, तो निगेटिव है तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है 2/√d, तो देखो यहाँ पर रखो 2/√d का मान -4, लेकिन यहाँ पर क्या रखोगे, प्लस का, तो √4 टेन इनवर्स f·x, इसका अवकलन करो तो 2x² का, देखो इसका अवकलन हो जाएगा 4x - 2 बार x का 1 और +1 का 0/√d, तो यहाँ पे √4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी लगाओ या मत लगाओ, या ऑप्शन में नहीं दिया है वैसे देता है, ठीक है, प्लस सी आप लगाओगे, अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो, तो ये 2 है, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे निकलेगा 2 बाहर, तो यहाँ से 2 लेके कॉमन काट देंगे तो बचेगा क्या,
टेन इनवर्स, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस 2x माइनस, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो क्या करना होता है, ये मैंने इंटीग्रेशन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक एक मिनट के कम से कम 36 से 37 वीडियो हैं, उसमें अलग अलग ट्रिक मैंने बताई है, 36 से 37 वीडियो है, ठीक है 35 मान लो, इतने तो है ही है, तो इतना मैंने उसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन को अलग टाइप से ट्रिक बताई है, इंटीग्रेशन की जितनी ट्रिक्स बन सकती हैं आपके एग्जाम लेवल से, बाकी तो बहुत सारी होती हैं, तो उनको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, बाकी इसको आप जरूर देख लीजिए, 35 मिनट लगेगा आपका, इंटीग्रेशन की बहुत सारी ट्रिक आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब आपसे एक बात कहनी थी कि आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, आपके 10 क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि देखो अगर मैं 15 क्वेश्चन करा दूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उतना क्या होता है कि डाटा मेरे पास नहीं हो पाता है आपके लिए, ऑलरेडी देखो मैंने क्या किया है, आप लोग ये मत समझना कि क्वेश्चन सर कराएंगे नहीं, आपको बता दूँ एक बात यहाँ पे समझ लेना। देखो मेरी एक सिम है एयरटेल की, ठीक है, उसमें 549 का 2 GB पर डे वाला डाटा है, ठीक है। अब ये देखो 23 जुलाई, वो 23 नहीं 17 जुलाई, 23 डेज तो बचे हुए हैं, 17 जुलाई को ख़त्म होगा, ठीक है। एक मैंने VI का रिचार्ज कराया आपके लिए 418 का शायद है, 100 GB इसमें 56 डेज के लिए है, तो ये आपके लिए कराया है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ 2 GB की एक वीडियो अपलोड हो पाती है, यहाँ पे एक वीडियो और अपलोड करने के लिए मैंने कहा अपने दोस्त से कहा है कि एक सिम दे दो यार 1 महीने के लिए VI की, ठीक उसके पास है, तो वो कल मुझे संडे को दे जाएगा, तो उसमें मैं 418 का करा लूँगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 6 GB का पर डे मेरे पास डाटा हो जाएगा, 6 GB का डाटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी मंडे से क्या हो जाएगी, ये सीरीज हम लोग 10 10 क्वेश्चन की ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन आपकी सीरीज देखो 3 सीरीज तो पक्की आएंगी, 3 सीरीज पक्की आएंगी, ठीक है, इस बात का मेरा प्रॉमिस है आपसे, और अगर ये 3 सीरीज मंडे से ना आए तो आप मेरे वीडियो मत देखना, आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, ठीक है 3 सीरीज पक्का आएंगी, ठीक है, और चैनल अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक। जितनी भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो बहुत सारी चल रही है, आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि कैसे जी रहे, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है चल रहा है, सब चलता रहता है जिंदगी में, लेकिन ये आपके लिए जरूर आएंगे 3 सीरीज, चाहे जैसे भी बनाओ, ठीक। और इसके बाद जो शॉर्टकट की सीरीज चल रही है, शॉर्टकट की, इसका एक वीडियो पर डे आएगा, ठीक है। पहले हम लोग कैलकुलस कवर करेंगे, कैलकुलस में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, ठीक पूरे एलजेब्रा इसकी शॉर्टकट कर लेंगे, 20 से 25 दिन में ये कवर हो जाएगा, और लगभग लगभग 1000, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 1000 क्वेश्चन तो आपके ये कवर हो जाएंगे, ठीक है 1000 क्वेश्चन आपके ये कवर हो जाएंगे, क्योंकि तो 3 सीरीज चलेंगी 10 10 क्वेश्चन की, 30 क्वेश्चन पर डे हो जाएंगे, और मंडे से आप जोड़ें तो आपके 25 डेज तो निकलना है पूरे, तो 25 या 75, 750 क्वेश्चन, और लगभग लगभग ये देखो 90 से 100 क्वेश्चन अभी करा रखे, तो 850 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर किसी दिन एक दो वीडियो ज़्यादा बना के मैं अपलोड करूंगा, तो आपके 1000 क्वेश्चन में प्रॉमिस है पक्का ये कराऊंगा, ये टॉप क्वेश्चन है आपके, तो आपको क्या करना, वीडियो को रेगुलर देखना है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, आप जहां से भी अपना नाम और कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को यहीं रखते हैं, थैंक यू।